तो लगे सर कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मतलब दोबारा खेल जा रहे हैं स्टंबल गाइस। और यार आज हम खेल रहे थे शिनचैन का 5v5 टूर और मेरा प्लान था कि मैं नहीं डालूंगा। देखो पहली चीज़ तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं फेस 3 चला जाऊंगा, तो मैंने कहा पक्का नहीं डालूंगा। फिर मैं गलती से फेस 3 चला गया, तो मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखो अपनी टीम में सीधे हमने 4 लौंडे और भरे थे। मैं तो हूँ ही, देखो अपन प्रो है, टेंशन ना लो। बाकी जो अपने 4 लौंडे थे वो था, एक तो था पेन, ये देखो अपनी प्रो ने सभी दिख गई भाई, अभी तो बंदों के नाम भी नहीं लिए पहले ही दिख गई। हाँ एक तो ये था पेन लमाओ, एक था अपना D3 विल, एक था क्रॉक्स और एक था जॉनी भाई देखो जापान प्लेयर। तो मैंने एक भार का भी ले लिया था, मैंने कहा कुछ तो काम करेगा। ये देखो भाई ये होती है प्रोनेस उनके भाई। हमारे ऐसा सीन था, ये फेज 2 का राउंड बन था और एक तो इतने हरामी लौंडे भेज दिए ना इन लोग ने, गोकू की टीम भेज दी। ये भाई वैसे ही नहीं छोड़ते कहीं का, पता नहीं भाई पहला राउंड क्यों पिटवाने का शौक था। उनके तो पूरे लौंडे आए भी नहीं थे, उनके 5 में से 4 ही लौंडे आए थे, हमारे 5 में 5 आए थे, उनके आखिरी में 4 बचे, हमारे सारे खत्म हो गए पता नहीं भाई धीरे धीरे करके। पेन भाई ने खुद ही हक दिया भाई, ठीक है वो जेन्युइन हगावट थी, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यार अब मेरे को ना BD से अच्छा यही लगने लग गया मजाक से हटके भाई। मुझे टूर में ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि PHK होता था, अब तो मज़ा आता है उल्टा मेरे को। मैं मुझे लाते मारनी आ गई हैं, मंच तो मेरे सभी भी नहीं होते, इसको थोड़ा इग्नोर कर लो, ये गलती से हुआ है ठीक है। और ये देख लो भाई इनके रोमांस नहीं ख़त्म हो रहा भाई, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं, इनको पहले झप्पी पप्पी करनी है, पहले ख़त्म नहीं करेंगे बंदा। अब देखो भाई ये भाई कपल है ये दोनों, मैं बता रहा हूँ D3 विलर पेन, पहले इन्होंने झप्पी पप्पी करी, उसके बाद लड़ाई हो गई घर में, तो फिर एक दूसरे को मुक्के लाते कर रहे हैं। और पेन ने खुद ही हक दिया भाई, ये कहाँ से आते हैं प्रो लोग, कहाँ से आते हैं। ये गेम प्ले मेरे को पहले दिखा देते, मैं नहीं लेता भाई टीम में, क्यों लिया मैंने। और ये डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि इसमें बताई हुई सारी बातें काल्पनिक हैं, कोई दिल पे ना ले भाई, तुम चारों में से कोई देख रहा है तो, जॉनी देख रहा है तो वो तो लेगा ही नहीं, उसको समझ ही क्या आएगा। बाकी तीनों को बोल रहा हूँ फिर आके तुम कमेंट सेक्शन में चालू हो जाओगे, फिर गाली देता मैं अच्छा नहीं लगूंगा ठीक है यूट्यूब पे, तो थोड़ा DM में गाली खाना, टेंशन ना लो। तो अभी के लिए भाई 2 राउंड हो चुके थे, तीसरा अपन खेल रहे थे, 2 राउंड अभी भी एलिमिनेट हो चुके हैं, कौन है पता ही नहीं भाई, चालू होते कैसे चल जाते। पहले तो देखो ऐसा होता था, मैं इतना गंदा खेलता था कि पहला बंदा मैच आता था तो मैं सारे गिन लेता था कि ठीक है ये है। अब तो मैं गिन ही नहीं सकता भाई क्योंकि मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पे 4 लौंडे एलिमिनेट हो चुके थे, 3 उनके थे, 3 अपने बचे थे, और मैं देखो सेफ चला गया था पूरा कि गलती से भी मतलब एलिमिनेट नहीं होने का है। अब यहाँ पे भाई उसके बंदे को जो मैंने यहाँ मारा है ना भाई, मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, मतलब मैं ऐसा था भाई मैं स्वर्ग सिधार जाऊँ, इतना मज़ा आ गया मेरे को भाई, बहुत मज़ा आया, इतना सेक्सी पंच मारा ना मैंने। तो यहाँ पे भाई एस्प्रो नहीं हो रही हमसे, पंच मारेंगे हम, एस्प्रो नहीं हो रही भाई, मतलब इस पर तो लानत है भाई मेरे पे, मजाक सेट के लानत है। अगर तुम्हें भी मेरे पे लानत है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ये बंदा कुछ ज़्यादा ही प्रो आया था, ये मेरा पुराना वर्जन था जो भी था, जिसने मुझे मार के खुद ही नीचे गिर गया। मैं भी यही करता था पहले भाई, बहुत मज़ा तो नहीं आता था यार वैसे, नहीं यार मज़ा तो आता था पर ओपोनेंट को मतलब टीममेट को मज़ा नहीं आता था, वो बहुत गाली पड़ती थी तो उसके बाद मज़ा नहीं आता था, पहले बहुत मज़ा आता था। पता नहीं मैंने कितनी बार मज़ा बोल दिया भाई, मैं पागल हो गया हूँ। ठीक है भाई जो भी है, यहाँ पे भाई मैंने उसको लात मारी, उसने मेरे को लात मारी, दोनों खत्म हो गए। यहाँ पे क्रॉक्स ने उसको पंच मारा, क्रॉक्स ने पंच मारा, ये भी दोनों खत्म हो गए। और ये फिर से कपल बचा गया, नहीं कपल नहीं बचा, कपल का एक लौंडा बचा था और अपना जॉनी भाई बचे थे। और ये जॉनी वो वाला जॉनी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये दूसरा जॉनी है ठीक है, ये शरीफ वाला जॉनी है, ये बिगड़ायल जॉनी नहीं है। तो अभी इन दोनों का टाइम पास चालू था भाई, जो किसी को नहीं देखना तो कट करते हैं भाई, अगले मैच पे चलते हैं, जीते अपन है, ये तुम लोग को दिख गया है। तो भाई यहाँ पे अभी तक अपने 4 राउंड हो चुके थे और अपन सिर्फ एक एलिमिनेट हुए थे, उसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हरामी लोग आ गए थे हमारे ओपोनेंट में भाई, वो लोग थोड़े ना हैं, वो लोग मारते बहुत ही गंदा है ठीक है। 2-3 टीमें थी इस टूर में, एक तो जीती है वो टूर, तो वो टीम तो बहुत ज़्यादा एपिक थी। एक अपनी गॉडेक्स की टीम थी जो कि बहुत ज़्यादा एपिक है भाई, वो तो बनाते ही ऐसी हैं भाई इंडिया टूर और एशिया टूर के लिए, तो कि सामने वाला देख के ही वैसे ही पैंट गीली कर दे और खेलने लायक तो बचे ही ना। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई का एक और प्यारा सा मुक्का था लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं, वो चढ़ के वापस आ गया भाई। इतनी मुश्किल से मेरे 1-2 मुक्के कनेक्ट होते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं, तो क्या ही फ़ायदा है मेरा मुक्के मारने का। यहाँ पे भाई मैंने फिर मारने की कोशिश करी, कुछ हुआ ही नहीं, और यहाँ पे सारे गिर गए, मेरे को पता नहीं चला कौन बच रहा है कौन नहीं। अब यहाँ पे क्रॉक्स बच रहा था और उनका एक बच रहा था, तो मेरा सीधा था भाई क्रॉक्स आराम से खेल, फालतू में अगर कुछ घाई किया ये बहुत पिटने वाला था। और ये जिस हिसाब से हरकतें चल रही थी ना इसकी, मेरे को लग रहा था भाई ये कुछ ना कुछ तो हरकत कर ही देगा। यहाँ पे भाई की किस्मत अच्छी थी भाई, बीच में से आर पार हो गया। ये क्या कर रहा है ये मेरे से गंदे मुक्के कौन चलाता है भाई, मतलब कैसे हो सकता है ये। यहाँ पे ये देखना भाई, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसके ऊपर। और उस बंदे की प्रोनेस अलग ही है, वो बंदा अलग ही नमूना पैदा हुआ था, वो मार के भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने तो एक टाइम को हिम्मत ही हार दी थी, मैं तो फ़ोन बंद करने पर आ गया था कि भाई नहीं हो रहा हमसे, बंद करो फ़ोन, सो जाओ सारे, कोई टेंशन नहीं है, अगली सुबह होगी उसके बाद फिर कुछ याद नहीं रहेगा वैसे भी, तो सो जाते हैं। इससे अच्छा मेरा तो सीधा दिमाग में आ गया था, पर ठीक है भाई
वो सामने वाले ने खुद ही हक दिया तो कोई इशू नहीं है अपने को, अपने को पॉइंट से मतलब था, अपने को पॉइंट मिल गया है, बाकी जाए भाड़ में। अब यहाँ पे भाई 3v3 की सिचुएशन थी और मुझे ये समझ नहीं आता भाई मेरे टीममेट किस काम के हैं। मारा इनसे जाता, अरे मारा भाई उसने गंदा मारा, उसने भाई पीछे मार दिया, इसने इधर मार दिया, अब हम तीन लौंडे थे, ये भी हमारे सारी टीम के हैं और मैं चला गया हूँ, तो फिर से देखने का फ़ायदा तो है नहीं, इनके फिर आज की चलेगी, तो बंद करते हैं वापस से, जीत गए भाई अपन। यहाँ पे अगले में आ चुका था भाई वापस से ब्लॉक डैश, एक तो ये मैप रिपीट पे ही थे और मेरा प्लान नहीं था यार वीडियो डालने का, क्योंकि भाई ये सेम मैप आते हैं तो मज़ा नहीं आता है भाई, थोड़ा सा ना फील नहीं आता है, तो वो फील मुझे आ रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। भाई तुम लोग को ब्लॉक डैश और लेजर ट्रेसर वाली वीडियो देखनी है तो बता देना मेरे को एक बार, क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ वैसे बनाने का। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड हरामी टीम थी वो आ चुकी थी, जो कि थी गॉडडेक्स, रेज एटसेट्रा एटसेट्रा एंड भाई बंधु एंड सन डॉटर्स एटसेट्रा जो भी थे भाई। यहाँ पे भाई मैं जो बच जाता ना भाई, अगर यहाँ पे मेरी एक शॉट निकल जाती लेकिन मैं बचा ही नहीं भाई, मेरे को आदि ने बॉडी मार दिया, पहले उसने पंच मारा, पंच तो उसका लगा नहीं, मैं ढीला हो गया, मैंने कहा ठीक है अब इस पर पंच लोड होएगा जब तक तो मैं बच जाऊँगा, उसका पंच बेचारे का लोड होना हो, उसने ऐसे ही मार दिया मेरे को, बॉडी बॉडी मार के चला गया। अब यहाँ पे पेन भाई क्या कर रहे थे पता नहीं भाई, लेकिन बहुत बढ़िया बच रहे हैं, इनको सीधी सीधी क्यों नहीं जाना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा होके जाते हैं बार बार। अब यहाँ पे पेन इधर से वो कर रहा था रिफायर, उधर से कोई और कर रहा था जिसने हक दिया था, अब सिचुएशन हो गई थी भाई 2v2 की, लेकिन मुझे पता था ये हगेंगे क्योंकि ये अपनी वापस से कपल ऑफ द ईयर बच गए थे, क्योंकि पेन और डी3 विल बचे हैं भाई, ये दोनों कपल हैं, ये दोनों आसानी से शांति से तो खेलेंगे नहीं मुझे इतना लग रहा था। यहाँ पे भाई पेन उसने वहाँ पे डी3 विल ने तो हक दिया था, पेन बचा था यहाँ पे और पेन अच्छा खेल रहा, देखो पेन बहुत प्यारा खेल रहा था, बस मेरे बोलते ही नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या ही इंसान हूँ मैं, मतलब वो इतना बढ़िया बढ़िया बच के आ रहा था, उसने एक ऐसी हवा में लात चलाई और खुद ही नीचे चला गया। ठीक है यार थोड़ी थोड़ी हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे भाई मेरे लौंडे मेरे को मार के जा रहे हैं, मैंने भाई अभी तो वॉइस ओवर किया भी नहीं था, जो इनको गुस्सा आ रहा है फालतू में क्यों मार के जा रहे हैं मेरे को पता नहीं, इसी ने मारा है मेरे को, यही ये जो है ना कपल का एक पार्ट, इसी ने मारा है मेरे को। अब मेरे को था भाई मेरे को गाली नहीं पड़नी चाहिए, जो भी हो तुम हारो जीतो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टूर्नामेंट बाहर करवा दो, लेकिन अगर मेरे को गाली पड़ी बाद में कि तू सबसे पहले एलिमिनेट हुआ था भाई मैं फाड़ दूंगा इनको। अब यहाँ पे वापस से 2v2 की सिचुएशन थी और वापस से अपना कपल बचा था भाई, कपल बहुत बढ़िया खेलता है, देखो कपल जब लड़ता नहीं है ना तो बहुत बढ़िया खेलता है, जब लड़ता है तो फिर बहुत गंदा लड़ता है, और तुम्हारे भाई को तो जीने नहीं दे रहा है कपल का एक पार्ट, तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मुझे था कि भाई जल्दी जल्दी मारो ख़त्म करो, क्योंकि धक धक बहुत होता है भाई ऐसे सिचुएशन में ना। अब यहाँ पे भाई पेन उधर अकेला था और उनके दो लौंडे थे, पेन अकेला एक को तो मार के ही चला गया, अब इनका एक ही बच रहा था और जिस हिसाब से इसकी हरकतें थी खुद ही जाने वाला था, और वो पकड़ के ले गया भाई, पेन पीछे खड़ा होकर गाना गा रहा है बेवफा निकली है तू, और डी3 विल आगे से हक करके लेके चला गया। अब भाई जैसे तैसे कपल की बदौलत हम फेज 3 तो आ गए, इसलिए तुम लोग को वीडियो भी मिल रही है सही बताऊँ तो। अब फेज 3 में कोई हरकत नहीं चाहिए थी, एक तो यार फेज 3 में लेजर ट्रेसर आता नहीं है, मुझे ज़्यादा मज़ा उल्टा लेजर ट्रेसर खेलने में आता है, क्योंकि ये मैप कभी भी कुछ भी कर सकता है, जब तुम्हें लगेगा ओपन एंड खत्म होने वाला है तब वो कहीं से भी उड़ के बच के आ जाएगा भाई, क्रिश बन जाते हैं ये, कभी भी फ्लाइंग जेट बन जाएंगे, और जब तुम्हें लगेगा तुम बच जाओगे तो तुम खत्म हो जाते हो भाई, कुछ नहीं समझ आता, इसलिए तो मेरे को ये मैप बिल्कुल नहीं पसंद भाई। लेजर ट्रेसर बहुत बढ़िया है, प्यार प्यार से लेजर आते कूदते कूदते चले जाओ, बिल्कुल सिंपल, इसमें पता नहीं कितनी हरकतें डाल रखी हैं भाई, पर ठीक है भाई जनता को यही पसंद है, यही बनता है हर टूर में, परेशान हो गए खेल खेल के, शर्म नहीं आ रही अभी भी बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे भाई अपने 4 लौंडे थे और उनका एक ही लौंडा था, और सबको मुक्का उक्का मार के सबको बाहर कर दिया, पता नहीं मैं एक को तो मार के गया मेरे को इतना पता है, बाकी अपना ये दोनों फिर से खेलने लग गए हैं भाई, शर्म नहीं आ रही। पेन और जॉनी भाई वापस से खेलने लग गए थे, और पेन भाई लेफ्ट से रिफायर कर रहा है डबल ब्लॉक पे, जॉनी उधर से कर गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, कैसे कर लेते हैं इतना ज़्यादा, पर ठीक है भाई अपन को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे भाई ये वापस से वही सेम टीम आ गई थी जो हमें फेज 2 के राउंड 1 में मिली थी, द हरामियों की हरामी टीम, जिन्होंने हमारा एक भी एलिमिनेट, हमने उनका एक भी एलिमिनेट नहीं किया था, उन्होंने हमारे सारे एलिमिनेट कर दिए थे जब वो 4 थे, अब ये 5 हो गए हैं, तो भाई सोच लो क्या ही होने वाला है हमारे साथ, और अपना एक अभी हो चुका है एलिमिनेट, ठीक है अपना हो ही चुका है, वो अभी स्टार्ट हुआ है 10 सेकंड का मैच में ही पहले एलिमिनेट हो गया, मेरे को था मैं ना हो जाऊँ बस, और यहाँ पे दूसरा भी हो गया, ठीक है यहाँ पे तीसरा, भाई मतलब कुत्ता खोल रहे हैं ये पता नहीं कैसे खेलते हैं भाई, मतलब देखने को भी नहीं होता है, इतना जल्दी मारते हैं ना आपस में, मारते हैं तो भी बच जाते हैं हम। यहाँ पे भाई पेन जैसे तैसे मर मरा के, इसकी लक अच्छा था जो ये बच गया, उसको पकड़ के ले गए भाई, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, 1v4 छोड़ गए जॉनी पे, अब जॉनी भी क्या ही करे भाई, यहाँ पे तो वो बेचारा फंस ही गया था भाई, ये कुत्तों की टीम है भाई मैं बता रहा हूँ, और ये मतलब मेरे को ऐसी टीम लग रही थी कि ये तो भाई यही जीतेगी टूर्नामेंट, देखो अपना टूर्नामेंट तो हो गया खल्लास हो गया अपना, और ये जिस हिसाब से खेल रहे थे मुझे लगा यही जीतेंगे, या तो फिर गॉडेक्स वगैरह जीतेंगे, या तो एक और टीम थी कैंसिटो वगैरह वो जीतेंगे। गॉडेक्स की टीम राउंड 1 में खत्म हो गई, उनमें शायद हैकर आ गए थे,
इनकी टीम हमें हरा के थर्ड राउंड में ख़त्म हो गई भाई। पता नहीं हमें हराने का क्या चल है, उसके पहले ही हो जाते ख़त्म, हम थर्ड राउंड जीत लेते, पर नहीं भाई हमें हरा के जाएंगे। और भाई कैंसिटो वाली टीम जीती फाइनल में जाके, पर ये दोनों टीम जो ख़त्म हुई है ना जल्दी जल्दी भाई, हमें तो जाने दो फिर, हमारी टीम अच्छी खासी बनी हुई थी, हम चले जाते भाई, थोड़ा सा जगह तो दे देते। पता नहीं भाई सेकंड राउंड में इतने हरामी टीम क्यों दे दी ओपोनेंट में, आखिरी आखिरी में देते फिर भी थोड़ा अच्छा लगता कि हाँ सेमीफाइनल्स तक तो पहुँचे कम से कम, ऐसा सीन होता तो बढ़िया होता। पर ठीक है, जैसे भी किस्मत ये टीम थोड़ी हरामी निकली। तो अपना तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।